वहीं दूसरे नागालैंड ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में फुटबॉल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें युवा संसाधन और खेल सलाहकार जाले निखा विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान जाले निखा ने नागालैंड ओलंपिक संघ की सराहना की और कहा कि फुटबॉल हमारे लोगों का मुख्य आकर्षण है, जो सभी जिलों और गांवों में खेला जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फुटबॉल का अनुशासन हमारी कल्पना और अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़ रहा है। निखा ने आगे कहा कि ओलंपिक राज्य के हर कोने से आने वाले एथलीटों की एकता का प्रतीक है, जो खेल के प्रति अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं और खेल की सुंदरता के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक आंदोलन का लक्ष्य युवाओं को खेलों के माध्यम से शिक्षित करके एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान देना है, जिसका अभ्यास ओलंपिक भावना के माध्यम से किसी भी तरह के भेदभाव के बिना किया जाता है। इसमें दोस्ती, एकजुटता और निष्पक्ष खेल की भावना के साथ आपसी समझ की आवश्यकता होती है।